तो आज तारीख हो गई है 8 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर के फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। शिमला में रेस्टोरेंट के पिज्जा में निकला कॉकरोच, लुधियाना के टूरिस्ट को खाते समय दिखा। हिमाचल में शिमला के मॉल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के पिज्जा में कॉकरोच मिला। लुधियाना से शिमला घूमने पहुंचे पर्यटक सौरभ अरोड़ा ने कॉकरोच मिलने की शिकायत मॉल रोड स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में की। सौरभ ने फूड इंस्पेक्टर को भी फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं सुना। सौरभ अरोड़ा ने कहा कि लोगों के जीवन से इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि शिमला दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। मॉल रोड जैसे पॉश एरिया के रेस्टोरेंट में कॉकरोच निकलना गंभीर मामला है। इससे सवाल न केवल रेस्टोरेंट संचालक बल्कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। देखें अगली खबर। बच्चों में बढ़ रहा आई फ्लू का रिस्क, स्कूली बच्चों का रखें खास ख्याल। देश के कई राज्यों में बच्चों में आई फ्लू का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। इन दिनों दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में काफी बारिश हुई है। इस मौसम में हाइजीन कम होने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे ये इन्फेक्शन फैलने लगता है। वहीं बच्चे फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं और ग्रुप में रहते हैं, ऐसे में पेरेंट्स की टेंशन बढ़ गई है। बच्चे को आई फ्लू ना हो, इसके लिए पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चे को बार बार हाथ धोने का कहें। बारिश की बूंदों और छींटों से बचने के लिए छाता और रेनकोट यूज करें। बच्चे को हाथ से आंख रगड़ने से मना करें। साफ करने के लिए टिश्यू या रूमाल का यूज करें। बच्चे प्रिस्क्रिप्शन चश्मा पहनते हैं तो उनके लिए हल्के, टिकाऊ और वाटरप्रूफ फ्रेम चुनें। बारिश के मौसम में बच्चे को इंडोर गेम्स खेलने को कहें। बच्चे को पब्लिक स्विमिंग पूल में न जाने दें। पालतू जानवरों से बच्चों को दूर रखें। देखें अगली खबर। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भेजी। अब चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर। इसरो ने रविवार 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई। यान अब अंडाकार कक्ष में घूम रहा है, जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। ऑर्बिट बदलने के लिए चंद्रयान के इंजन कुछ देर के लिए फायर किए गए। इसरो ने बताया कि अब कक्ष को और कम करने का अगला ऑपरेशन 9 अगस्त 2023 को किया जाएगा। देखें अगली खबर। लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका को बेटियों समेत गोदावरी में फेंका। आधे घंटे पाइप से लटकी रही 13 साल की लड़की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर से झगड़ा होने के बाद उसे और उसकी दो बेटियों को गोदावरी नदी में धक्का दे दिया। इस घटना में महिला और उसकी 1 साल की बेटी नदी में लापता हो गई, जबकि 13 साल की लड़की ने प्लास्टिक का पाइप पकड़कर अपनी जान बचाई। लड़की पाइप के सहारे आधे घंटे तक लटकी रही। उसने लटके लटके ही 100 नंबर को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने उसे बचाया और उसकी माँ छोटी बहन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी सुरेश को अरेस्ट कर लिया है। वो पाला सुहासिनी नाम की महिला गुंटूर के ताड़ेपल्ली में रहती थी। पति से मतभेद के कारण वो उससे अलग हो गई थी। 36 साल की महिला अपनी 13 साल की बेटी कीर्तना के साथ रह रही थी और मजदूरी करती थी। 2 साल पहले वो सुरेश से मिली, दोनों साथ रहने लगे। सुहासिनी और सुरेश की भी एक बेटी जर्सी 1 साल की है। कुछ दिन पहले सुहासिनी और सुरेश के बीच अनबन हुई थी और सुरेश ने सुहासिनी और बेटियों कीर्तना, जर्सी को खत्म करने का फैसला किया। देखें अगली खबर। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास, शाह बोले 11 अगस्त को मणिपुर पर चर्चा करें। राज्यसभा में सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन खराब होने के कारण पर्ची से वोटिंग कराई गई। पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट डले। बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। दिन भर की बहस के बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने आए तो उन्होंने विपक्ष को चैलेंज दिया कि इस बिल को गिराकर दिखाओ। उन्होंने कहा 8 से 10 अगस्त तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, इसलिए विपक्ष मणिपुर पर 11 अगस्त को चर्चा करे। मैं मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आप ही हैं जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है। आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अगर खड़गे जी 11 अगस्त को चर्चा के लिए हाँ कहते हैं तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। देखें अगली खबर। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई, राहत पुनर्वास देखेगी। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को फिर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास का काम देखेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। वहीं राज्य के हालात की जानकारी देने मणिपुर के DGP राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के उठाए कदमों के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल कमेटी की हेड होंगी। कमेटी की 2 अन्य सदस्य जस्टिस शालिनी पी जोशी और जस्टिस आशा मैनन होंगी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति नाजुक है, बाहर से जांच होना लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि मणिपुर हिंसा मामले में CBI जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व DGP दत्तात्रेय पड़सालगीकर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों की 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT जांच करेंगी। इन केसों को अभी तक CBI को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इन SIT के काम की निगरानी DIG रैंक का अफसर करेगा। ये अफसर मणिपुर के बाहर का होगा। DIG रैंक का एक अफसर 6 SIT की निगरानी करेगा। इन SIT की जिले के आधार पर नियुक्ति होगी। देखें अगली खबर। सरकारी स्कूलों में टीचर्स ने कराई नकल, स्कूलों को नोटिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बने एक सॉफ्टवेयर ने राजस्थान के 262 सरकारी स्कूलों में नकल का खुलासा किया है। बच्चों का स्टैंडर्ड जानने के लिए हर साल 3 बार होने वाले एग्जाम को लेकर सामने आया है कि इसमें बच्चों को नकल करवाई गई। इस खुलासे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या टीचर्स ही ये नकल करवा रहे हैं। इस एग्जाम में प्रदेश भर से 8वीं तक के करीब 45 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सभी बच्चों ने एक जैसा उत्तर दिया। इनकी संख्या 26,000 के करीब बताई जा रही है। विभाग के अफसरों की माने तो नकल कराने में वहां के शिक्षकों का हाथ हो सकता है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि नकल करवाने के लिए जो आंसर बताए थे वो भी गलत निकले। नकल का खुलासा होने के बाद प्रदेश के 33 जिलों के 262 स्कूलों और वहां के संस्था प्रधानों को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। देखें अगली खबर। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 लोकसभा में पास। नियम तोड़ने पर लगेगा 250 करोड़ जुर्माना। लोकसभा में सोमवार 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 यानी DPDP पास हो गया है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 3 अगस्त को इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। ये कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा। कंपनियों को ये बताना होगा कि वो कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं। विधेयक में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। देखें अगली खबर। INDIA नाम रखने पर 26 विपक्षी दलों को नोटिस। क्या है एम्बलम एक्ट? 18 जुलाई को बेंगलुरु में BJP विरोधी 26 दलों की बैठक के बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने ये बयान दिया था। इसी बैठक में 26 दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा। इसका शॉर्ट फॉर्म INDIA है। दरअसल गठबंधन का शॉर्ट नाम INDIA रखने पर एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म INDIA राष्ट्रीय प्रतीक यानी एम्बलम का हिस्सा है। ऐसे में इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इसी मामले में 26 दलों के साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। देखें अगली खबर। बरनाला में पिता की हत्या। नशेड़ी बेटों ने पीट पीट कर मार डाला। पंजाब के बरनाला जिले के गांव जुलूर में बुजुर्ग पिता का हत्या करने का वीडियो वायरल हुआ है। नशे में धुत दो बेटों ने पीट पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने वीडियो को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं दूसरे की तलाश में छापामारी की जा रही है। SHO थाना सदर करण शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मृतक राम सिंह की बेटी कुलदीप कौर के बयान के आधार पर मर्डर केस दर्ज किया है। देखें अगली खबर। दिल्ली एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी। मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली एम्स में बीते रोज सोमवार सुबह करीब 12 बजे आग लग गई। आग एंडोस्कोपी रूम में लगी। ये कमरा इमरजेंसी वार्ड के ऊपर बना हुआ है। हादसे के दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। एंडोस्कोपी रूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि मरीजों को सुरक्षित निकालने के बाद फायर ब्रिगेड टीम को आग की जानकारी दी गई। इसके बाद 13 फायर टेंडर घटना स्थल पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक का भी इस्तेमाल किया गया है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। देखें अगली खबर। नूह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक। हिंसा के बाद होटल शोरूम समेत 753 अवैध निर्माण गिराए। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए। नूह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। कल प्रशासन ने हिंसा के दिन जिस 3 मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई थी उसे भी गिरा दिया था। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था लेकिन उसने दंगाइयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका। देखें अगली खबर। सीमा हैदर, अंजू केस पर सनी देओल ने की बात। बोले, बॉर्डर पार प्यार करने वाले लोग साथ रहना चाहेंगे। सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में सनी देओल ने बॉर्डर पार दूसरे देशों में किसी व्यक्ति से प्यार करने पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि समाज को बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों के प्यार को अपनाना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। देखें अगली खबर।
कोई स्ट्रेस में दिखे तो उससे चर्चा करें। सुशांत और नितिन देसाई के सुसाइड पर बोले सुनील शेट्टी। एक्टर सुनील शेट्टी आए दिन चर्चित मामलों पर बात करते नजर आते हैं। हाल ही में एक्टर ने मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस, सुशांत सिंह राजपूत और आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर बात की। सुनील ने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर कहा, हमने इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर को खो दिया है। वो ऐसी कौन सी बात थी जिसने उन्हें अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए सुनील ने कहा, वो बहुत ही कमाल का बच्चा था। उसने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव कर लिया था और फिर ऊपर वाले ने उससे भी हमसे छीन लिया। अगर हम किसी को जानते हैं और अगर हमें पता है कि वो किसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहा है तो हमें उस शख्स से चर्चा करनी चाहिए। हमें उसे बार बार कॉल करके उसका हालचाल पूछते रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।